देखिए स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन को हम एक और तरीके से करते हैं जो कि उन दोनों तरीकों से भी ज़्यादा इजी है। आप देखेंगे किसी किसी बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने दो मेथड कराया अभी, तो ऐसा नहीं है वो किसी बुक में नहीं है, है डिफरेंट राइटर्स की बुक होती हैं तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं। इसी प्रकार से जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ ये भी वे किसी ना किसी बुक में जरूर होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सबसे सरल आपको लगेगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमने डाइपोल बना दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर निकालना है, तो हमने क्या किया, एक डाइपोल बना लिया। डाइपोल के दो चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब यहां पर एक चीज आप समझिए कि इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मूमेंट होता है वो हमेशा उसका डायरेक्शन, वो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, तो उसको हम पी से डिनोट करते हैं। आपको मालूम होगा पी इक्वल टू, चूंकि पी इक्वल टू क्या होता है, टू क्यू एल होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप सुनिए, यहां पर ध्यान दें, अगर मैं, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल किया जा सकता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट किया जा सकता है। सभी ये स्केलर क्वांटिटी का नहीं होता है, जो क्वांटिटी स्केलर होती है उनके दो कंपोनेंट नहीं किए जा सकते, जो जितनी भी क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं उनके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। तो अब मुझे मालूम है पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर लूंगा, रिजॉल्व कर लूंगा इसे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक इसका कंपोनेंट कर लिया वर्टिकल, एक कर लिया हॉरिजॉन्टल। इसका ये हो गया एक सेंटर पॉइंट ओ, ये हो गई एल और ये भी हो गई एल। अब मैं इसके जो P है, इसका जो P का डायरेक्शन था वो तो इधर है। अब इसके मैं दो कंपोनेंट करूं, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं जो P है, तो एक इसका वर्टिकल चला जाएगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया हमारा। तो देखो ये हमने क्या किया, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका ले लिया, ये वाला। अब आप जरा सोचें, जो कंपोनेंट इधर आएगा, जो कंपोनेंट इस डायपोल का इस साइड में आएगा इधर, अब चूंकि इससे हमने क्या किया, ये एक एंगल हमने ले लिया यहां, एक हमें तो यहां कंसीडर करना है निरक्ष पर, तो ये पॉइंट आ गया। इस पी का एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, देखते रहो अभी सब सब जाते हैं, इसी डायरेक्शन में चला गया, ये ऐसे आया और ये एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में हो गया थीटा से, ये थीटा है। तो इस पी का अगर हम ये वाला कंपोनेंट देखें तो थीटा से रिलेटेड है, थीटा के ही साइड में आ रहा है, तो थीटा के साइड में जो आता है वो कॉज में आता है, तो ये हो गया पी कॉज थीटा और ये क्या हो गया, पी साइन थीटा। तो हो गए इस पी के दो कंपोनेंट। अब आप देखो जरा इसको और यहां बना दे रहे हैं ये, आप ताकि समझ पाओ, इस पी के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हो गया। तो अब ये वाला जो डायपोल है इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इस, अब इस डायपोल की क्या जरूरत है, क्योंकि इस डायपोल का जो मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, एक कर लिया हमने हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल कंपोनेंट कर लिया। अब आप सोचो जब इसके कंपोनेंट हो गए तो अब ये तो इसकी तो आवश्यकता है नहीं, किस कंपोनेंट की आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आ रहा, अगर ये इस डायपोल के लिए ये पॉइंट कंसीडर करें तो इस डायपोल के कंपैरिजन में इस डायपोल के लिए ये जो पॉइंट है वो निरक्ष पर आ रहा है, और इस डायपोल के लिए जो ये वाला डायपोल है, इस डायपोल के लिए ये वाला पॉइंट जो अक्ष पर आ रहा है। तो हमने पीछे वीडियो में हमने सॉल्व किया था तो कहा था कि निरक्ष पर जो हम निकालते हैं डाइपोल के कारण जो निरक्ष पर वैद्युत विभव निकालते हैं वो तो जीरो होता है, नेट वैद्युत विभव जीरो होता है, तो इसका तो कोई यूज करना बेकार है क्योंकि यहाँ जीरो होने वाला है, तो इसका यूज करेंगे हम। तो हम लिखेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पी के, डायपोल मोमेंट पी के क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक पी कॉस थीटा
के कारण बिंदु सी पर वैद्युत विभव, सी पर वैद्युत विभव निकालें, इसको थोड़ा छोटा कर दो, वैद्युत विभव निकालें तो कितना आएगा, तो आएगा बी इक्वल टू आएगा केपी आता है यहां बटे आर स्क्वायर, ये प्रूव करा था हमने। अगर पी होता तब अक्ष के लिए तो ये प्रूव किया था, लेकिन अब अक्ष के साथ तो कॉज आ रहा है, तो यहां कॉज आएगा केपी कॉज थीटा, और यही आपको डेरिवेट करना था। देखा कितना है जी, एक लाइन में आ गया, मात्र एक लाइन में, माने दो कंपोनेंट पे डिपेंड है ये। अब आप कहोगे सर इसी प्रकार साइन के लिए निकालो, यहां साइन रखो, तो साइन नहीं रखा जाएगा। क्यों क्यों नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये तो निरक्ष में पड़ रहा है ना, इस डायपोल के लिए तो ये पॉइंट निरक्ष पर है, और निरक्ष पर तो कुछ आंसर आता ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे और क्षैतिज वाले को ले लेंगे, जो कि अभी जो हमने दो डेरिवेशन किए थे उनसे कंपेरिजन में यही आंसर आ रहा है। और ये किस में आएगा आप जानते हैं, वोल्ट में आएगा। तो उम्मीद है ये सबसे सरल लगा होगा आपको। थैंक यू।